आपका पहला सवाल है, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए विचित्रवीर्य, बी दशानन, सी कुंभकर्ण, डी इंद्रजीत। आपका सही जवाब होगा डी इंद्रजीत। आपका दूसरा सवाल है, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मऋषि ले गए थे? आपका ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी अंगिरस, सी संदीपन, डी दुर्वासा। आपका सही जवाब होगा ए विश्वामित्र। आपका तीसरा सवाल है, मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए लक्ष्मण, बी शत्रुघ्न, सी भरत, डी राम। आपका सही जवाब होगा बी शत्रुघ्न। आपका चौथा सवाल है, उस सरोवर का क्या नाम था जो एक योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? आपका ऑप्शन है ए पंपासर, बी पंचापसर, सी अमृतसर, डी मानसर। आपका सही जवाब होगा बी पंचापसर। आपका पांचवा सवाल है, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? आपका ऑप्शन है ए प्रघस, बी महोदय, सी शुक, डी धूमराज। आपका सही जवाब होगा सी शुक। आपका छठा सवाल है, हनुमान जी की माता पूर्वजन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? आपका ऑप्शन है ए पुंजिक स्थली, बी जानपदी, सी उर्वशी, डी कृताची। आपका सही जवाब होगा ए पुंजिक स्थली। आपका सातवां सवाल है, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी गंगा, सी घाघरा, डी गोमती। आपका सही जवाब होगा सी घाघरा। आपका आठवां सवाल है, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए सुंदरकांड, बी उत्तरकांड, सी अरण्यकांड, डी बालकांड। आपका सही जवाब होगा सी अरण्यकांड। आपका नौवां सवाल है, रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? आपका ऑप्शन है ए इंद्रपाश, बी रमपाश, सी लोहपाश, डी चर्मपाश। आपका सही जवाब होगा बी रमपाश। आपका दसवां सवाल है, समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए हिमालय, बी मैना, सी गिरनार, डी मंदराचल। आपका सही जवाब होगा डी मंदराचल।